नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आसनसोल रेल मंडल में तैनात आरपीएफ जवान बीके सिंह का तबादला होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। उनके तबादले से उनके चाहने वालों में काफ़ी गम भी देखा गया। आपको बता दें कि बीके सिंह जी वो शख्स हैं जिन्होंने आरपीएफ का चेहरा नए तरीके से पेश किया और ये बताया कि एक आरपीएफ जवान एक समाज सेवक भी होता है। अपने कुछ शब्दों से इस कार्यक्रम की आगाज श्री मोहम्मद मुराफ इल्यास और तमाम सर्वसमान साथ के साथ 25 साथियों लड़की और तरफ से 25 साथी लड़की और तरफ से 15-20 हजार लोग का इंतजाम करते हैं। मैं 2 साल गया हूँ, मैं उनके सामने कलाम पेश कर रहा हूँ। मंगला अर्थ है जिससे मिलते हैं, जिससे मिलते हैं दिल से मिला करते हैं, जिससे मिलते हैं दिल से मिला करते हैं, ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिला करते हैं। जिससे मिलते हैं दिल से मिला करते हैं, ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिला करते हैं। और देखिएगा कि मसला कोई भी हो इनसे चुटकी में हल निकले, मसला कोई भी हो इनसे हल चुटकी में निकले। शुक्र है बाबा 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 की रात, मसला कोई भी हो इनसे चुटकी में हल निकले। शुक्र है बाबा की झोली से ऐसे फल निकले, झोली से ऐसे फल निकले। बड़े पढ़ते कदम कैसे कैसे लोग कारनामे देखें, पढ़ते कदम कैसे कैसे लोग कारनामे देखें, शहरा में चमन रेगिस्तान में चल निकले। ऐसे हस्ती से भला कौन नहीं चाहेगा मिलने, ऐसे हस्ती से भला कौन नहीं चाहेगा मिलने, वो महान हस्ती जिसका बीके सिंह नाम है, वो महान हस्ती जिसका बीके सिंह नाम है। मैं कोई आदमी का भला पहन रहा, एक तो गब्बर सिंह मुझे बहुत देखता था बचपन से और दूसरा मैं फैन था गब्बर सिंह का, क्योंकि इनको प्यार से गब्बर सिंह कहते हैं, बीके सिंह जी के नाम से आप लोग जानते हैं इनको। लेकिन मैंने बड़ा करीब से इनको देखा है, जाना है, इसीलिए मैं इनका भी फैन था। और समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पिछले कई सालों से मैं इनको देख रहा हूँ। मैं चूंकि पेशे से पत्रकार हूँ इसीलिए खबर रखनी पड़ती है सबकी, और ये जो काम कर रहे हैं वाकई बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। और बासुकी नाथ सेवा समिति, सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहूंगा बासुकी नाथ जी को और बासुकी नाथ सेवा समिति से जुड़े तमाम लोगों को, मैं उनके जज्बे को उनकी भावनाओं को मैं नमन करना चाहता हूँ। इतना सुंदर काम कर रहा है यहाँ पे संस्था, ये बहुत अच्छी संस्था है, इतना अच्छा प्रयास है। और एक सलाम आरपीएफ को भी, आसनसोल मंडल को भी, आरपीएफ के जवानों का सहयोग है, आरपीएफ विभाग का सहयोग है, उस सहयोग से इतना सुंदर काम यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए बार बार सलाम करने का जी करता है, बार बार प्रणाम करने का जी करता है। और इसी उनके प्रयासों से यहाँ पे गरीबों को भोजन मिल रहा है। आजकल मैं चूंकि घूमता रहता हूँ, अभी मैं चंडीगढ़ में था, मुझे एक अवार्ड मिला, इंटरनेशनल अवार्ड मिला, मीडिया पर्सनैलिटी का खिताब मुझे दिया गया वहाँ पे, तमाम जाने वाली हस्तियाँ वहाँ मौजूद थी। क्योंकि मुझे फर्क इसलिए होता है कि मैं आसनसोल शहर से हूँ, क्योंकि मैं मोहता किरा से हूँ, पटना से हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कर्म स्थल रहा है। यहाँ से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की, फिल्म की एक्टिंग मैंने शुरू की, मेरी फिल्म के लेके आ रही है पुत्र, आप देख पाएंगे बड़े पर्दे पे, एक बांग्ला फिल्म मेरी आ रही है जिसके सामने चट्टोपाध्याय मेरे सामने है, और बांग्ला फिल्मों का चाचा साहब पालके अवार्ड मुझे मिल चुका है। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं बांग्ला फिल्म करूंगा और संपूर्ण चट्टोपाध्याय के साथ करूंगा, फिर ये मौका मुझे मिला। और फरवरी में ये फिल्म आप थिएटर में देख पाएंगे अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। हमारी फिल्म आ रही है गोत्र, गोत्र में हमने पीएसएफ का कुछ पार्ट रखा है, इसलिए मैं अभी बाघा बॉर्डर देखा 2 दिनों पहले, वहां हमारे मित्र है सुरेंद्र सिंह जी कमांडेंट है वहां पे, वो मुझे ले गए चंडीगढ़ से, वहां पे हम लोग गए, वहां पे हम लोगों ने लोकेशन देखे, वहां पे बातचीत की लोगों से, पीएसएफ वालों ने बहुत सपोर्ट किया। चलिए यहाँ पे मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ, ये बात यहाँ पे आरपीएफ की चल रही है, तो मैं सलाम करना चाहता हूँ आरपीएफ के जज्बे को। बीएसएफ के जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, सरहदों पे वहां पे डटे हुए हैं, लेकिन आरपीएफ के जवान है, रेलवे बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा संस्थान है, देश की
धरोहर है रेलवे, रेलवे अगर ना हो तो हम अधूरे हैं, हमारा जीवन कहीं नहीं रह पाएगा। हम कहीं भी जाते हैं रेलवे का सहारा लेते हैं और रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है आरपीएफ को, तो आरपीएफ वालों को सलाम है, आरपीएफ के कमांडेंट साथ जवाब है। और कमांडेंट तो ये क्या है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूँ उन कॉन्स्टेबल्स को भी, उन इंस्पेक्टर्स को भी जो अपनी जान हथेली पे लेकर रेलवे की सुरक्षा करते हैं। मैं चाहूंगा उनकी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार करता हूँ। करीब 8 सालों से मैंने पहले भी धीरे धीरे यहाँ प्रोग्राम हुए दिखा रहा कि मैं खुद माइक लेकर के बहुत सारी बातें किया करता था, लेकिन आज का दिन इस कदर का है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रवृत्ति है, ड्यूटी इसी तरह की होती है। मैं अपने सभी शुभचिंतकों को, अपने मित्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर बेहतर करना है, अगर बेहतर करना है तो उसके लिए कोई समय सीमा, कोई जगह मायने नहीं रखता। बेहतर कार्य कहीं भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। हमने चुना आज सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने जन्म स्थल से यहाँ आया था अपने कर्म स्थल पर, और बेहतर कार्य करने की सोच के रखा था मैंने। परिणाम ये हुआ कि ये बड़ी बड़ी हस्ती हमारे कमांडेंट साहब, आप लोग, मेरे मित्रगण, सभी लोग मुझे एक खूबसूरत विदाई, शायद मेरे जीवन का ये यादगार लम्हा रहेगा और मैं ताउम्र इस पल को नहीं भूल पाऊंगा। तो आप लोग मेरी विदाई में इस तरह से शरीक हुए, मैं सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमेशा अपनी ही केवल दूसरों की कहानी सुनता रहूं, दूसरे लोगों का उदाहरण देता रहूं। मैंने ऐसा देखा है कि लोग करते हैं, मन में आया कि कभी ऐसा क्यों ना करें कि लोग मेरी भी चर्चा करें, मेरा भी कहीं उदाहरण दें। तो हंसी हंसी में बात आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे 4 साल बीत गए। यहाँ पर बहुत सारे झंझावत हमने झेला, बहुत मुश्किल हुई, लेकिन सबको मालूम है कि जब जब विपत्ति आती है तो कोई ना कोई ऊपर वाला माध्यम बनाकर भेज देता है, और इनके पहले के जो कमांडेंट साहब लोग थे, साहब पहले के, वे भी हमारे हमें हमारे रक्षक बनकर के आ गया है, और उस कार्य को और तेज गति से बढ़ाने के लिए हमारे वर्तमान कमांडेंट साहब हमारे बीच में आए हैं। सर का जो इंटरेस्ट है कि ये जगह भी और बहुत बढ़िया हो, खूबसूरत हो, और ऐसा हो भी, पारित भी हुआ है, ये जगह और बढ़िया होगा जहां और अच्छे तरीका से जो लोग आते हैं खाना खाएंगे। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है जिसे आरपीएफ जुड़े हुए, आरपीएफ के लोग यहाँ आते हैं, मेहनत करते हैं। हालांकि कमांडेंट साहब से भी मैंने ये चीज मांगा था कि सर बहुत मुश्किल हालात में हमने यहाँ लंगर शुरू करवाया था, सर हमें जाते समय एक चीज दे दीजिए कि ये लंगर को सर बंद नहीं होना चाहिए। और कमांडेंट साहब ने कहा कि बंद नहीं होगा, और ये अभी तक तो कांस्टेबल के संरक्षण में चलता था, तो मुझे लगता है इंस्पेक्टर और डायरेक्ट कमांडेंट साहब के संरक्षण में चलेगा। उन्होंने कहा इंस्पेक्टर साहब हैं, और उनको भी उन्होंने बुक किया कि भाई आप देखना, और आगे भी पता है कि हम डायरेक्ट बात करेंगे, कोई दिक्कत हो, कोई जरूरत हो, हम पूरा करेंगे। तो कमांडेंट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
कुछ दिनों के अंतराल पर वहां भी लंगर शुरू करूंगा। वहां भी ये नीति बनेंगे कि आरपीएफ ऐसा करते हैं, वहां भी कुछ गरीब लोग खाना खाएंगे। और लोगों को बताया था, सब नहीं आए थे। सर हमारे गुरुजी पटना के रहने वाले थे, उन्होंने कहा था कि 10% अपनी लाइफ का डोनेट करना, बड़ा अच्छा मिलेगा, सुकून होगा। तो सर हम थोड़ा सा सीधा काम नहीं कर सकते थे उस समय, कोई काम थोड़ा उल्टा सर हम कर जाते थे। और हुआ कि 10 क्यों करेगा, 90 क्यों नहीं करेगा। और पता नहीं, वही ऐसा चल गया कि मैं अपनी कमाई का 90% पैसा सब कुछ लगा देता हूँ। हालांकि मैं सबसे अपेक्षा भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। 10% में बहुत अच्छे से हो जाते हैं, फैमिली परिवार सभी लोग साथ देते हैं हमारे। चार पास एक जो की शादी करवा रहा हूँ, आगे भी करवाऊंगा। आप लोग केवल यहाँ से दुआ दीजिएगा, केवल लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना कीजिएगा। सुनने को हमारे आपके भाई लोग को जरूर फाकर होगा कि एक आरपीएफ जहाँ भी गए ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। और फिलहाल तो ये जो सत्ता चल रही है यहाँ, कमांडर साहब लोग जब से जुड़े हुए हैं तो सुनाम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप लोग भारतीय टीम भाई लोग जो यहाँ आते हैं, कभी वक्त निकाल कर जरूर आइएगा। एक सर रिक्वेस्ट रहेगा, अगर कोई परेशानी हो, जिस तरह से इस संस्था के लिए आप खड़े हो गए हैं, तो हमारे भाई लोग आपसे मिल सकें और आप सर उनका भी पूरा कर दें। क्योंकि वो मंच के माध्यम से जाते थे और ऐसे जाने में सर सच में डर तो लगती है कि भाई कैसे जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके पास सर जाने में किन्हीं को डर लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, सबको प्रणाम। और मित्रों, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि सभी लोग जितना प्यार से बोल रहे थे वरुण को, तो अच्छा लगा कि मैं इस परिवार का मुखिया हूँ और मेरे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसके इतने ज्यादा फैन है। तो ये अच्छा लगा। और इसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को बहुत ज्यादा है भी। जो लोग शादियों में इन्वॉल्व होते हैं उनको मालूम होगा शादी करवाना कितना टफ काम है। यदि की हो नहीं पा रही उनको भी मालूम होगा कितना मुश्किल है। और ये हर साल 25 लोगों की करवाते हो ना, 21 लोगों की शादी करवाता है, बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ ऐसी जगह पर करवाता है जहाँ मैं गया हूँ कई बार, तो मैंने इसका सामान नहीं देखा है, लेकिन उस एरिया को मैं अच्छे से जानता हूँ। वहाँ करवाना कोई भी फंक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत रूरल स्ट्रक्चर है औरंगाबाद का। उस रूरल स्ट्रक्चर में कोई भी कोई नया काम कर ले, आप बंगाल में बैठ के नहीं सोच सकते। तो वहाँ करवा लिया है, तो ये बहुत बड़ा एक उद्यम है। और यहाँ पर भी मैंने देखा ये सेवा समिति, ये लोग बहुत मेहनत से चला रहे हैं और सभी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता था। तो आगे अब इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है आपके लिए सफलता ही पर है। तो हमारे सभी जवान इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, सभी लोग लगे रहते हैं, क्योंकि ये स्वैच्छिक है। और मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने आरपीएफ के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आरपीएफ के लोग दुनिया में सबसे विशिष्ट होते हैं, लेकिन खुद से कहने में उतना अच्छा नहीं लगता अच्छा है। समाज को हमारा कंट्रीब्यूशन सच में बहुत ही ज्यादा है, क्या आपके काम बहुत ज्यादा है। कि जैसे मैं बाकी फोर्सेस के बारे में बताता हूँ कि वो लोग बॉर्डर पर रहते हैं या बहुत कुछ और काम करते हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल काम हम लोग घर के भीतर करते हैं। क्योंकि बॉर्डर पर हमारे सामने क्लियर होता है कि सामने जो भी है दुश्मन है और गोली चलानी नहीं है। और यहाँ हमारे पास एक क्लियर बैठा है, सामने वाले पर गोली नहीं चलानी है, वो कुछ भी करेगा, और हमें स्मार्टली उस सिचुएशन को डील करना है। हमारे जवान बखूबी इस काम को अंजाम देते हैं, और निश्चित रूप से ये थोड़ा मुश्किल काम होता है जब समाज में रहते काम करने को।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छी बातें कही, और आप जितने लोग यहाँ आए हैं उन सभी का विशेष धन्यवाद मैं वरुण की तरफ से दे देता हूँ। वैसे इसका एक विदाई समारोह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैंने लोगों को सुना मुझे लगता है कि ये लोगों के दिलों में रहता है, तो दिल से बाहर निकलना मुश्किल होगा। हम लोग तो नास्ता पोस्ट पर हैं, कभी मैं वहाँ पोस्ट हो सकता हूँ, वैसे मैं नहीं आया हूँ कभी, मैं दानापुर में था, तो तुम्हारा शायद मुगल साहब में फंसता है ना औरंगाबाद को, तो मुगल साहब में आता हूँ तो फिर मिलता हूँ तुमसे दोबारा। लेकिन यहाँ का जो भी सिस्टम है दारोगा जी, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी सहयोग है वो किया जाएगा, और अच्छी बात यह है कि हमारे जो वर्तमान मंडल में प्रबंधक हैं वो काफ़ी बड़े समर्थक हैं, तो इस तरह का कार्यक्रम का कुछ दिनों में हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्च है, थोड़ा फंड की कमी आ गई है, तो इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह का कार्यकाल हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिससे मेरी उम्मीद है वो उम्मीद के लोग आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों का जो उत्साह देखता हूँ तो उससे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा, और जो लोग इस जगह को नहीं देखे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। मैं भी जब तक देखा नहीं था मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ क्या चलता है, देखने के बाद मुझे लगा कि सच में बहुत महान काम चलता है, ये वैसे लोगों को खाना खिलाते हैं जो हमेशा दूसरों के आके हाथ फैलाते हैं, और वैसे लोगों को पूरे सम्मान के साथ खाना खिलाना ये सच में बहुत महान पुण्य का काम है, मान्यता का काम है, तो ये जारी रहना चाहिए। आप लोगों को देख के लगता भी है कि जारी रहेगा, और ये क्या इसको आप लोग बोलते हैं जबर जब्बर सिंह, अपना ये जब्बर काम जो है करता रहेगा, वहाँ से आके इसको कंट्रीब्यूट करता रहेगा। मेरी तमाम शुभकामनाएं कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर काम किया और एक लोगों के मन में उम्मीद जगाई कि ऐसे काम जो बंद हो चुके हैं मुश्किल है वो कर सकते हैं, जो नई जगह जा रहे हैं वो भी वहाँ शुरू करेंगे इस टाइप का कुछ, और वहाँ भी अपना समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने परिवार का, हमारे देश का, हमारे आपके सबका नाम रोशन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं, थैंक यू।